कल्याणपुरी स्थित एमसीडी स्कूल में युवक असलम उर्फ मट्टू की हत्या कर शव को सीवेज टैंक में डालने की गुत्थी सुलझाने का दावा पूर्वी जिला पुलिस ने किया है। पुलिस ने इस संबंध में मृतक के दोस्त मोहम्मद नूर 19 साल और स्कूल के चौकीदार राजकुमार 39 साल को गिरफ्तार किया है। दरअसल असलम अपने दोस्त नूर के साथ स्कूल में बड़ी लाइट चोरी करने गया था। चोरी के सामान के बंटवारे को लेकर दोनों में विवाद हो गया। इसके बाद नूर ने असलम को स्कूल की छत से धक्का दे दिया। हादसे में उसकी मौत हो गई। चौकीदार ने जब स्कूल परिसर में युवक का शव पड़ा देखा तो नौकरी जाने के डर से उसने शव को चुपचाप सीवेज टैंक में डाल दिया। पुलिस ने आरोपी नूर के पास से स्कूल से चोरी की गई 7 लाइटें और अन्य सामान बरामद कर लिया है। छोटा बच्चा मेरा दूध लेने गया था नीचे पता लगी की स्कूल में बदबू आ रही है तो स्कूल का किस गिलास बता रहे हैं। जब हम लोग यहाँ से भाग के गए हम यहाँ से देखा तो गटर में मार के गिर रखा था। हमें तो अभी तक तो पुलिस ने बताया नहीं जी। मेरे जिगर के टुकड़े को तो मार दिया। अरे मैं तो सब में ढूंढ आई, सारे थानों में ढूंढ आई, मैंने सब जगह ढूंढ लिया, नहीं मिला। मेरा बेटा भागा भागा आया, वो कह रहा मम्मी कोई लाश मिली है यहाँ स्कूल में। मेरा तो कलेजा हिल गया, जैसी मैं गई देखने तो मेरा बेटा ही था। मार कहीं तो डाला उसमें के अलावा नमक भी पड़ा हुआ था, उसका पूरा चेहरा बिगड़ रहा था उसका। जांच के दौरान पुलिस को असलम के शव के साथ एक शीट मिली। उस शीट में लपेटकर उसके शव को टैंक में डाला गया था। उसी शीट की जांच करते पुलिस आरोपी राजकुमार तक पहुंच गई और उसने असलम के शव को ठिकाने लगाने की बात कबूल कर ली। अभी पुलिस नूर व राजकुमार से पूछताछ कर मामले की छानबीन कर रही है। दिनेश सोलंकी, तेज निगाहें, दिल्ली।